BSA 4 stroke 230 kgs इग्निशन ही उनका वही था। जब तक ड्यून है तब तक चलाइए कि उन खत्म हो गया। आप जैसे लाइक साइकिल कितना यूज कर सकते हैं। मोपेड का मेन मतलब वो हुआ मोटर प्लस पैदल। अधिकतर पहले मोपेड ही आए जब सस्ता जमाना था, लोगों का उतना पैसा नहीं था। इंडिया में अधिकतर मोपेड ही आए पहले, बाद में उसी पर बड़ा लोग कभी मोटरसाइकिल हो गया। आई थिंक ये भी 80cc होगा। ये सर ये 50cc है। 50cc हितोड़ी हिंदुस्तान टूल्स एंड गाइड जमशेदपुर। ओके जमशेदपुर का भी इमेजिन 76 का। और इसी का इंजन ये है, हिंदी साइकिल मीडियम गर्व महाराष्ट्र की पहली गाड़ी है ये 19। अब इसके दो साल बाद 72 के करीब आया होगा। महाराष्ट्र में लॉन्च पहली गाड़ी है हिंदी साइकिल मीडियम गर्व में। ये सेम 50cc मोपेड, 50cc भी नहीं होते हैं, अंडर 50 होते हैं, 49-48 ऐसे में। तो सेम मोटर पैटर्न जस्ट लाइक लूना का। अब फर्स्ट मॉडल तो है हमारे पास, आगे इसके दो तीन वर्जन थे वो दूसरे तीसरे आए नहीं है अभी। और ये MTM मयूरम मोपेड, ये भी सेम मोटर पैटर्न मयूरम मोपेड। ये चेन्नई तमिलनाडु का पीस है 50cc मोपेड। बनावट से तो लग रहा है गाड़ी जोड़ जाड़ की लगी दिख ही रहा है। कहीं से कोई पार ऐसे असेंबल की गई देसी गाड़ी बोल देते उस टाइम। अब उस टाइम होता क्या था, सब गाड़ियाँ स्टेट वाइज ही चलती, कोई दिल्ली में, कोई कर्नाटक में, कोई केरला में, जहाँ लॉन्च हुई उसी स्टेट में चलती थी, बाकी विस्तार होता नहीं था। आखिर विस्तार हुआ बजाज आने के बाद। जब बजाज इंडिया में आया, बजाज और TVS भी, और टोटल इंडिया हर सीट हर स्टेट हर डिस्ट्रिक्ट हर गाँव हर घर पर गाड़ियाँ बोली बजाज। हम लोगों को विस्तार इतना मालूम था कि इतने गाड़ियाँ हैं उसके पूरे इंडिया में सब गाड़ियों का मालूम होता है। और हीरो मेस्टिक ये भी काफ़ी पॉपुलर चली हुई गाड़ी, पॉपुलर और केस में। इसको तो देखा भी शायद मैंने बहुत लेट तक। ये दोनों सेम मोटर पैदल, ये फ्यूल टैंक वगैरह सेम सिस्टम सेम है 50cc, ये पॉपुलर और केसर। और ये भी हीरो मेस्टिक की दोनों रेड कलर ही है। ये हीरो और होंडा कोलाबोरेशन होने के बाद ये बाकी सिस्टम सेम है, केवल पैडल की जगह इन्होंने किक स्टार्ट किया, किक स्टार्ट दे दिया, पैडल हटाइए किक स्टार्ट किया। ये इंजन वही है, हाँ बाकी भी सब सेम है। ये 2000 यूज हुआ ही है, तो इसका एवरेज भी 50-70 था। ये काफ़ी चली गाड़ी है, एक लेटेस्ट है, इसका भी नाम सुना है, हाँ हीरो लेटेस्ट, इसका नाम सुना होगा लेटेस्ट है। और इसमें भी सेम जस्ट लाइक लूना, आठ घंटे तक लूना ही। ये इसका फुल टैंक देखिए, आपने किसी कैसी थी फुल टैंक वो लग नहीं रहा था। इसके अंदर से रोड है ऐसे वैसे रोड, और वहाँ से कहीं तो वापस नहीं थे, और सीट में इसमें फिलअप हो रहा है। ये इटालियन पीस है, चलो सेफ्टी एक दो चार मीटर इतना रहेगा भाई इसका कैपेसिटी। तो सेम पैटर्न, ये भी पैटर्न, ये अगर फ्यूल खत्म हो गया सेम पैटर्न से हम इसके लिए सेम पैटर्न। ये भी और ये है काइनेटिक स्पार्क, ये तो काफ़ी पॉपुलर पीस है, पॉपुलर पीस। इसका एवरेज 70-80 किलोमीटर इसका एवरेज था है, लेकिन सारी 50cc के सेगमेंट वाली, 50cc में ही है। और हीरो इलेक्ट्रॉनिक जो वो क्या है, हीरो इलेक्ट्रॉनिक फोर स्टोर भी है। अच्छा हाँ, लेटेस्ट मॉडल है हीरो मेस्टिक का ही चीज़ है 60cc की, लेटेस्ट मॉडल इलेक्ट्रॉनिक है। लेकिन इसमें ही बस स्प्रिंग सस्पेंशन है, बाकी सब ये इटालियन है। हाँ इसमें बस एक स्प्रिंग सस्पेंशन है, बाकी ऑयल वाले ही हैं। बेल्जियम ये भी 50cc मोड पेडल फॉर ऑयल मोटर, ये 50cc वो बेल्जियम नाइस। और रमुना कलेक्टेड फ्रॉम कोयम्बटूर का पीस है। ऑल बाइक्स आर कलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, हर स्टेट हर डिस्ट्रिक्ट का एक ये कलेक्टर बोले तो ये ओनर का 35 साल का एज है, 35 साल का एज। लैमिनेटर का कोई मॉडल है G125 है, उसके चक्कर में ये 1000-1500 कलेक्शन हो गया इनका, लेकिन वो मॉडल उनको मिला नहीं था आफ्टर 35 ईयर। पूरी इंडिया में उन्होंने पूरी इंडियन का कोई फॉरन टूर्स भी है, लेकिन उनको वही गाड़ी मिल गई जिसकी तलाश अपने स्टेट लाइफ में कभी देखी होगी उन्होंने, लेकिन दोबारा उनको देखने को नहीं मिला। तो कोयम्बटूर का पीछे 50cc मोबाइल ये मॉडल अब चलेगा, एवरेज इसका वो एक्सपोर्ट क्वालिटी आगे गाड़ी है चलेगा।
आगे दिखाता है आपको, मोबाइल की मोड़ोगा वॉल्यूम फील तो ओनली 22 cc, ओनली 5 cc का, और इसका ये भी फुल टैंक में इसी में ही है। अभी 22 BHP आता है, 22 cc की थी ये बताइए। और ये पैदल स्टार्ट, ये तो किसी भी एंगल से लग नहीं रहा है कि इसमें इंजन है। अब मैंने उस टाइम पे 70-80 के दौर के लिए, 1970-80 के दौर में जब एक इंडिया में पैसा नहीं था, एक मोपेड होना बहुत बड़ी बात होती थी उस दौर के लिए, काफ़ी बरदान था गरीब लोगों के लिए, बरदान कोई सस्ता होता उस लोगों के लिए, काफ़ी किफायती चीज था। लेकिन इसका टॉप स्पीड 30 किलोमीटर है बस, अब उस जगह हल्का इंजन हुआ उसका हल्का। हाँ, ये तो लग भी नहीं रहा कि इंजन है इसमें। तो गरीब लोगों के लिए ये कहना है कि गाड़ी नहीं है, कहने का है करके सारे बच्चे साइकिल आए तो और ये घंटा बुलर से छोटो रॉयल इनफील्ड, कभी नहीं सुना ये ना। 1950 सेल्फ स्टार न्यू जनरेशन में तो मालूम ही नहीं है, आपको भी नहीं पता होगा जिसका भी, अब क्योंकि ओल्ड जनरेशन ओनली 3% लोगों को मालूम है गाड़ी का। और नहीं, मेरे को देखा भी नहीं है ये विद ड्यूअल टेल लाइट स्टेपनी। किसी का सेम देखिए जस्ट लाइक कार, और भी इसके अंदर 100 cc का इंजन है, कोई फैमिली स्पोर्ट फैमिली लंबाई चौड़ाई देखने वाली। ये 3 पैडल किस चीज के हैं? वो जैसे पुराने बुलेट में होता था, लेफ्ट में ब्रेक राइट में गियर, आगे पीछे अप डाउन, वो गियर नहीं है हाथ वाला जैसे, वो तो हाथ में खाली क्लच है। अच्छा, गियर नीचे, गियर अप डाउन इसी में है। अच्छा, ये तो काफी पावरफुल मतलब 173 cc का इंजन है, पूरी फैमिली बोले तो 2 साल लोग सीट में भी बैठेंगे, 2-3 बच्चे स्पेस है। और 100 की टॉप स्पीड भी अप्रॉक्स जाती है इसकी, काफ़ी जबरदस्त स्कूटर, बहुत सही। ये बिल्ड का फर्स्ट मॉडल 1954, 250 cc क्रिसेडर फर्स्ट मॉडल रॉयल इनफील्ड इंडियन मॉडल। और ये आपके पीछे MSU 50, ये 3 कलर स्पेशली, ये भी रेयरेस्ट कलेक्शन है। आप जो मैं बता रहा हूँ, ये फेंडा ब्लॉक, ये मोफा और हिंदू साइकिल रेयरेस्ट कलेक्शन है। रेयरेस्ट दूसरा पीस भी इंडिया में इम्पॉसिबल होगा कि वो दूसरा मिल जाएगा, ये स्पेशली मेड फॉर जर्मन पैरामिलिट्री फोर्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1942। ये सब हल्के बहुत पहले होते थे कि एयर ड्रॉप किया जा सके इनको। हाँ, अगर कहीं आर्मी, अब ये पैराशूटर्स क्या करते हैं, इसको डिसमेंटल करके युद्ध के टाइम, हाँ वो भी है, ऊपर ले गए जब उनको ड्रॉप किया विद साइकिल तो नीचे आके असेंबल करते थे, इसीलिए भागे गए। उस टाइम का पंप भी उसमें अटैच है, तो पंप भी एयर जो खुला है उसमें। हाँ, और उसका स्टैंड देखिए, अब घंटे दो घंटे में लोकेशन चेंज करने होते हैं बुमबारी के टाइम पे। हाँ हाँ, तो वो साइकिल को ऐसे ही पूरा साइकिल लटकाने के लिए हेलीकॉप्टर में जल्दीबाजी में तब वो स्टैप का वो उल्टा करके स्टैंड के थ्रू लटका दो, और पैदल से भी चलेगा ही पैदल, उसकी साइकिल है तो। लेकिन फ्यूल से अगर गाड़ी चल रही है पेट्रोल से तो बिल्कुल साइलेंटली आवाज़ नहीं करेगी गाड़ी, 50 cc। हाँ, उस बेसिस से बना हुआ पीस था ये, बाद में इसको कमर्शियली यूज किया, ये जर्मन का। और ये लूना, ये मैडम ये लूना का फर्स्ट मॉडल लूना, ये टक लूना तो इसलिए भी कहा गया, इसका मॉडल ही कुछ डक ट्रैवलर जिसे बता होता है उसी सेल में बना हुआ था, तब डक लूना ही इसका नाम बता दिया। ये फर्स्ट मॉडल ये पैडल स्टार्ट, पैदल से 50 cc होता है, पैदल से स्टार्ट जब तक फ्यूल चलाए तो पैदल से साइकिल कलर यूज कर सकते हैं। ये फर्स्ट मॉडल लूना का, लूना उस टाइम का सस्ता और काफ़ी मोपेड लूना आने के बाद बंद पड़ गई, जो आगे TVS के लिए तो मोपेड है बड़े, अभी कोई भी देख लेते जो वो सब बंद पड़ गए, क्योंकि वो कुछ महंगे होते होंगे, उस दौर में ये ज़रा सस्ता था कैंट्री का, तो ये काफ़ी सस्ता। इसके 2-3 मॉडल और निकले, लेटेस्ट मॉडल बहुत अच्छा था इसका, तो उसके आने के बाद सभी मोपेड्स बंद पड़ गए लूना आने के बाद, काफ़ी कवर किया इसे, इसलिए विशेष लूना का ही डिमांड करते हर कोई आज भी। और ये सर होंडा कप 80 cc जस्ट लाइक बजाज MATE, अभी ठीक ये उसी कंडीशन बना हुआ पीस है, ये मार्केट में चालू कंडीशन में होंडा का अभी तो। और आपके पीछे ये पिंक कलर, ये राजदूत का स्कूटर। अच्छा, स्कूटर भी राजदूत का। हाँ, राजदूत है, देखा नहीं था। अच्छा, राजदूत का स्कूटर 150 cc का है, और लेकिन इसका स्पेस काफ़ी है, 1950 दिख रहा है बॉडी से, 1950। ये कलेक्शन तो काफ़ी एक्सपेंसिव, इसमें कि अरबों रुपये, इसमें इतना ही नहीं कलेक्शन 1000-1500 का है,
इट्स ओनली स्टार्टिंग, अभी दूसरा सेट तैयार होगा, अपनी बाइक को उसे बंद हो जाता हूँ। इसमें पांच सेट आएंगे ऐसे ही बाइक से, बाइक से पांच सेट ऑन द बाइक। क्योंकि मैं 1987 बॉर्न हूँ और काइनेटिक होंडा तो मैंने देखा है बहुत, और मैं बढ़िया सरप्राइज था कि आपने उधर इटर्नो भी रखा हुआ है बजाज का, वो चला नहीं उतना। ये फर्स्ट मॉडल था, ये ओरिजिनल मॉडल था, ये काइनेटिक होंडा का, इसका मॉडिफाइड भी आ गया। मेरे को लगता है मैंने पहला वेस्पा ही देखा है। वेस्पा मैडम आ रहा है, वेस्पा भी आ रहा है अभी, इंडियन वेस्पा फर्स्ट मॉडल ये था, ये बजाज सुपर, ये ऐसा ही सुपर और बजाज से, तो बजाज के तो 88 मॉडल निकले, 88 उनमें से 10-20 कलेक्शन इनके पास में है, क्योंकि इनके 50 बुलेट वापस गए इसमें से, दो साल कोरोना से पहले आ गए थे बुलेट, वो कचरे में डाल दिया, नीचे मिट्टी ऊपर से बारिश, पूरा अभी हैवी बुलेट, तो वो उस टाइम वो सर्विसिंग के लिए भेजा पुणे, तो सर्विसिंग होके आएंगे भी बजाज आ रहे हैं। और ये वेस्पा का फर्स्ट मॉडल, इंजन मॉडल फर्स्ट 150, हाँ यहाँ से फिर व्हील बेस छोटे होते चलेगा टायर के, ये फर्स्ट इंजन है और वो इटालियन बीच में ग्रीन थी, मात्र वन इटालियन, और ये फिर 150 सीसी में आ गया था। मेरे पापा के पास ये वाला स्कूटर था, इसमें मेरी मेरी फोटो भी है स्कूटर में, ये हाँ ओडिशा नंबर था OSO 4796। ये क्या कहानी थी, ये जो प्रिया है, प्रिया तो बाद में आई, इससे पहले का है ये। हाँ। ये तो मैंने चलाया हुआ है। अच्छा। मतलब ये दिल्ली तक लेके आया, मैं दिल्ली में आने के बाद इसको बेचा है। अच्छा। और उड़ीसा में खरीदा था ये 1974 का है, ये स्कूटर तो है मेरे पास, और ये वाली गाड़ी भी मतलब मेरे रिलेटिव में एक के पास थी ये। हाँ और एक बार जरा यहाँ का मैं आपको, ये लेमरेटा मॉडल, ये दो तीन चार चारों गाड़ियाँ लेमरेटा पोलो, ये API ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया, ये लेमरेटा मॉडल 150 सीसी, ये मेरिनो मुंबई थाने। अच्छा। मुंबई थाने में लेते होते थे, और उसके आगे विजयी सुपर, विजयी सुपर लेमरेटा मॉडल ऑल्सो, वो ये 70-80 के पॉपुलर पीस, वो उस टाइम जो कपिल देव वाली टीम जो फर्स्ट बार वर्ल्ड कप जीते थे, तो हर प्लेयर को वही गाड़ी सरप्राइज में दी गई थी उस टाइम, तो इसलिए भी उसके आगे विजय जोड़ दिया गया, फर्स्ट बार विजय हुई क्रिकेट में, तो विजय सुपर उसका नाम ही विजय सुपर बोलते हैं। वो ग्रीन का, ग्रीन वाले का, ग्रीन वाली है ये उसका। ओके। विजय फोटो विजय टीम, ये वाला पोस्टर, ये वाला पीस, ये दोनों जरा कलर अलग है लेकिन गाड़ियाँ सेम है। अच्छा, ये वर्ल्ड कप के टाइम के हैं। हाँ, वर्ल्ड कप, वो वाला, ये वाला बिजी फॉर बिजी थी, ये वाला पोस्टर उसका बिजी सुपर। अच्छा, अब पोस्टर्स भी रखा हुआ है आपने। पोस्टर ये कलेक्टिव, उनके एक हैंड से कोई इंटीरियर डेकोरेटर के सर की लड़की ओनर की, नहीं नहीं जिन जिन से आप लोगों ने खरीदा होगा, ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव कलेक्शन है सर, लाखों में, अभी कीमत भी मैं आपको बताते जाऊँगा, अभी कीमतें इनकी तो कोई मजाक नहीं है, कहाँ से पास, कहाँ का क्या, कहाँ का क्या। अब जो हिंदू साइकिल थी वो हम पोते में भर के आए, पकड़ के लाने लायक भी नहीं थी, इतनी कंडीशन में गाड़ियाँ मिलती, ऐसी कंडीशन में गाड़ियाँ थोड़ी मिल रही, ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कंपनी से निकली हुई गाड़ियाँ हो, लेकिन बनाया उसको बनाने का ये वाला कॉन्सेप्ट सेम था। हाँ। इसका इधर इस तरफ घुमाओगे तो रिजर्व, अच्छा। उस तरफ वो बंद हो जाता, बीच में मेन था। अच्छा। और ऊपर चोक है उसका, वो चोक लेने का था। अच्छा, ये आगे। हाँ, ये उसके ऊपर वो गोल वाला वो चोक है, बीच में मेन हो गया और इस साइड में रिजर्व लगता था। ये स्कूटर तो बहुत चलाया है मैंने, बजाज की विशेषता, थोड़ा टेढ़ा कर दीजिए तो बनने भी हो तो चालू हो जाता था, ऐसी विशेषता वही थी बजाज का, काफी चला भी इंडियन मॉडल यही है बजाज। इसमें बहुत लेट में वो साइड इंडिकेटर दिया है, वो स्कूटर भी होगा आपके पास, इसमें अभी तक साइड इंडिकेटर बजाज में आया नहीं था, ये 74 में लॉन्च हुआ था। अच्छा। ये स्कूटर इसमें साइड इंडिकेटर आया नहीं था। हाँ, यस यामाहा इंडियन मेड एक्सपोर्ट्स प्लस यामाहा कोलैबोरेशन से बना इंडियन मेड 50 सीसी मोबाइल, ये टोरो रोजा, और ये पर्ल, ये यामाहा का ये फ्रेंच मॉडल स्कूटी पहले आई 50 सीसी, और उसके बाद ये पर्ल यामाहा, पर्ल यामाहा टू फेमस है ना, टू पावरफुल मोबाइल 50 सीसी, इसकी तर्ज में ये इंडियन मेड ही है, यामाहा का M50 इंडियन मेड है, इसकी नकल किया बजाज ने, ब्लू कलर बजाज का M50 अभी भी यामाहा ने एक बाइक लॉन्च की, अगर आपको पता होगा रिसेंटली M50 करके, वो अब उसका रिलेशन पता चल रहा है कि कहाँ से आया है वो।
तो ये तो मार्केट में चला नहीं, वो पीस इतना जबरदस्त था, वो पीस भी आपका एक ही बात में आप, लेकिन उससे पहले M50 इतना पावरफुल पीस था वो। ये तो बजाज का मैंने देखा है बहुत, वो 50 वाला। हाँ हाँ, इसको कहीं भी डाल दीजिए आप, पैसे भी उसमें डाल दीजिए और कितना भी लोग डाल दीजिए, वो काफ़ी सक्सेसफुल चीज़ था। तो अभी भी गांव में लोग अभी भी चालू है, दूध वाले वगैरह अभी भी गांव में काफ़ी दिक्कत है। हाँ हाँ, ये और ये अलग अलग ये मेरी मम्मी चलाती थी बजाज का सनी जी। हाँ, ये लोगों को लगता था इलेक्ट्रिक स्टार्ट थी नहीं है, मैं था तो उस टाइम पे हमारे पास ये ब्लू कलर की स्कूटी थी, और ये मैं दिल्ली में आने के बाद 2006 में बेचा हूँ इसे बजाज की सनी को, बहुत चलाया। कुछ पुरानी गाड़ियाँ तो है चलो हमारे पास भी। सुएगा मोटो बिकेन मोबिलिटी, फर्स्ट मॉडल का सुएगा, इसका सबका नाम भी नहीं सुना बताइए। एवरेज था इस गाड़ी का, इसका इंडिया से साउथ अमेरिका को एक्सपोर्ट होता था, ये इसके एक्सपोर्ट क्वालिटी, ये दोनों एक्सपोर्ट क्वालिटी। मैन्युफैक्चर कहाँ होता था भैया? कोयम्बटूर में ही ना। 7 BHP बताइए, हॉर्स पावर है, तब BHP नहीं था, हॉर्स पावर है। हाँ, कोयम्बटूर के पीस है सभी, ये भी ये 15 का पीस है सम्राट, ये भी सोएगा ही मॉडल है, 50cc मोटर, ये सब 50cc है। हाँ हाँ, और ये जावा एचडी के ओल्ड मॉडल, ये सब आपने फिर कस्टम बनवाया होगा ना, मडगार्ड वगैरह इतना बढ़िया कंडीशन में कैसे हो सकता है? पेंटिंग पूरी होती है सर, पिछले 5 सालों से मेरे चालू है उनका, पिछले लगातार, तो उनका तो अभी 1000-1500 का कलेक्शन है अभी, तो ये परोटी पुणे से ही है, वो मराठी अलग अलग उसका कानपुर, यूपी कानपुर, ये लेटेस्ट मॉडल 2013 का, और नॉर्थ में तो काफ़ी चलती है। और जावा 50cc ये ओल्ड मॉडल, 50cc मीटर जावा, और एच डी कोल्ड और एच डी जेट, ये मैसूर तमाम तक के पीछे में मैनुफेक्चर होते थे। ये अभी भी पार्ट्स अगर मंगवाना होता है SD का तो यहीं से या फिर ईरोड में भी मिल जाते हैं काफ़ी। अच्छा, साउथ में ही ज्यादा है ये, DSA बोर्न इंजन DSA, इसका तो पता भी नहीं बताइए। रेड लेवल फर्स्ट मोनो सस्पेंशन ऑफ इंडिया। ओ भाई, सही बताया आपने, इसमें तो मोनो सस्पेंशन है, कब की है ये भैया? बताइए, मोनो सस्पेंशन तो फिर बहुत पहले आ चुका है, मोनो सस्पेंशन और ये डबल सस्पेंशन DSA का, उसी का पीछे फाल्कन दोनों ये करीब करीब काफ़ी मूवीज में भी यूज हुई, काफ़ी मूवीज में स्मूथ अभी रियलाइज किया। हाँ, ये मोनो सस्पेंशन है, मुझे लगता था मोनो सस्पेंशन वो होंडा यूनिकॉर्न से आया है। अच्छा, नहीं, उसमें पहले ही आ गया ये चीज़, देखिए 1980 का है, 1980, वेरी नाइस। छोटी सी बाइक में डिस्क ब्रेक, पेट्रोल वाला, ये भी रोक से ऑटो सिस्टम है, ऑटो जिससे चलाते हैं ना, लेमरिका बोले तो टू हैवी एंड टू पावरफुल स्कूटर, टू हैवी, और इसलिए ये लेडीज के लिए स्पेशली ये लाइट वेट में लेमरिका सेंटो में से 100 इन इटालियन लेमरिका सेंटो, ये 100cc, और बाकी सब 150, ये इसकी बात बता रहा था मैं, बाकी सब 150 यहाँ से वहाँ तक लास्ट कॉर्नर तक। जो फर्स्ट मॉडल नहीं मिला तो G129, लेकिन वो इनोसेंटी 150 है, फर्स्ट मॉडल इनोसेंटी 150, उसके बाद ये लैम्बी 150, और ये ब्लू कलर API, रेड कलर API, और ये मेड इन इटली, ये तो इटालियन ही पीछे है इटालियन, और ये है ये 59 मॉडल 1959, टू पॉपुलर एंड टू कॉस्टेस्ट पीस ऑफ द टाइम। अब इसकी कीमत उस टाइम तो जो भी रही होगी, लेकिन अभी के परिप्रेक्ष्य में अभी सर इसका भी तो यही है, इसमें यही विशेषता यही है कि सर वो रियल लाइट वो आप बैंड से भैया कहीं पर मतलब उसमें तो कितनी प्रॉब्लम आती होगी, जैसे अब मुंडा इधर है, लाइट है, लाइट सीधा रहती है, तब तो पूरी गाड़ी नहीं घूमेगी, तब तो लाइट आगे नहीं पड़ेगी, हाँ, तो एक्सटेंड होने के काफ़ी चांसेस होंगे क्योंकि बैंड उसमें, और इसमें और दो गाड़ी में, एक और इनोसेंटी 150 में भी, और ये गाड़ी की कीमत इसका इतनी जबरदस्त कस्टमर अभी भी डिमांड है इसकी कि अभी भी कस्टमर आते हैं इसकी डिमांड को 10 लाख 15 लाख 20 लाख तक देने को तैयार है इसकी, बीस लाख तक देने को अभी इसको खरीद अभी भी परहेज करना चाहते हैं लोग, जो शौकीन लोग हैं इनके, ये वास्तव में उस टाइम का पॉपुलर पीस था भी उस टाइम का भी,
और अभी भी लोग उसको परचेज करना चाहते हैं, काफी कस्टमर इसकी डिमांड करते हैं इसकी अभी भी। 20 लाख अब इसकी ओरिजिनल पीस है, नो पेंटिंग, पेंटिंग भी नहीं है, ऐसी कंडीशन में रखी हुई गाड़ी। अच्छा, ओरिजिनल पीस, उसका लेदर सीट देखिए। हाँ हाँ, वो सीट तो ऑब्वियसली वो सैडल जैसा लग रहा है, जैसे घोड़े की सवारी करने वाले नहीं होते वो। देखिए इसका कलर भी और उस टाइप से इसकी वो मतलब इधर इस हिसाब से गाड़ी देखती है, काफी शॉर्टिंग लग रही है, क्योंकि ये स्क्रूज वगैरह पे अभी भी थोड़ा हल्का फुल्का ही जंग लगा है। यहाँ यहाँ पे जो देखे यार 20 लाख तो। और ये मॉडल लेने का सुनने, मॉडल बच्चों के लिए पैदल से चलाते हैं बच्चे, बहुत सही है। उस स्कूटर की कीमत 20 लाख है। हाँ, 20 लाख मतलब मार्केट वैल्यू लग रही है उसकी। लम्ब्रेटा की सारी कलेक्शंस गाइस, कहाँ से मिलेगा ये? फोन का स्टोरेज खत्म होने वाला है इसको भाई। एक्सप्लोरर जंडैप, जर्मन इंजन मेरी इंडिया RX 100 की तरह बना हुआ चीज है, 100 cc का जबरदस्त पिकअप था, लेकिन इंडिया में चला नहीं मॉडल, ये वाला 100 cc और ये 50 cc इन्फिनिटी मॉडल है दोनों, लेकिन दोनों चले नहीं इंडिया में। ये जबकि 60 cc वाला, 65 cc वो बोल दो, 65 cc क्योंकि 90 टू प्रॉपर बहुत जबरदस्त चली गाड़ी है, और ये दोनों मॉडल उतने चले नहीं इंडिया में। अब कुछ बहुत चला होगा इतने से क्या कंपनी को, तो इन्हें सकते 150 फर्स्ट मॉडल तो नहीं है, दूसरा मॉडल बस यही दो है, बाकी तो हैंडल पे अटैच्ड है, ये चैसी पे है उसके। बहुत रेयर कलेक्शन है ये स्कूटर तो, फिर ये सब बहुत बहुत लेट में, ये सब तो 2000 के आसपास के हैं ये। और ये नर्मदा 150, ये नहीं सुना नाम मैंने, नहीं सुना होगा नर्मदा 150 गिरनार लियो, और वो भी नर्मदा या येलो कलर, तीनों गाड़ियाँ हैं ये गुजरात में, नर्मदा फर्टिलाइजर ही कहिए, तो बाद में इनका ऑटोमोबाइल में हो गया नर्मदा ऑटो, ये ऑटो लिमिटेड वाले। इन्होंने गुजरात में बजाज को टक्कर देने के लिए, बजाज की तर्ज में सेम, बजाज गया चोरी छिपे, लाइसेंस भी प्राप्त किया या कुछ तो ऐसा था, और बजाज सेम बजाज की तर्ज में 150 की, और मार्केटिंग नहीं बना पाने के कारण बाद में इनका मॉडल ही फेल हो गया, चला नहीं गुजरात में भी, थोड़े दिन चला गुजरात में, प्रोडक्शन बंद हो गया इनका बजाज के अंदर हो गया। ये तो बिल्कुल बजाज का वो लग रहा है, वो तो फिर भी थोड़ा गुजरात गवर्नमेंट का था एक्चुअली, गिरनार लियो। अच्छा, महाराष्ट्र स्कूटर वालों ने बनाया, तो वैसे गुजरात गवर्नमेंट वालों ने बनाया, उन्होंने बेचा नर्मदा फर्टिलाइजर वाले। अच्छा, इन्होंने चलाया तो, लेकिन मार्केटिंग नहीं बना पाए, तो बजाज के सामने क्या मार्केटिंग बनाते, जब पूरी इंडिया में बजाज छाया हो तो उसके अगेंस्ट क्या मार्केटिंग बनाएंगे लोग, तो उसे फेल हो गया मॉडल, चला नहीं कुछ टाइम के लिए गुजरात में चला। ये सब जो स्कूटर थे ना, इसका हॉर्न बड़ा अजीब था, मतलब जितना भी RPM है उस हिसाब से हॉर्न बजता रहता था, अभी के टाइप का इलेक्ट्रॉनिक हॉर्न नहीं था, तो ये इसमें बैटरी होती नहीं थी, जो भी इंजन स्टार्ट करोगे आप और इसका हॉर्न जब सुनोगे ना, ऐसे ऐसे करके बजता रहता था जितनी भी धीरे चलती थी वो। इलेक्ट्रॉनिक हॉर्न जैसे उस सब गाड़ियों में है, वो स्टील वाले दिखते हैं बाहर, वैसे नहीं थे इसके, इसके यही हॉर्न है इसका गाड़ी का, यहाँ पे हॉर्न, ये हाँ ये जो बाहर है ये सारे हॉर्न है ये वाले, इसका हॉर्न का भी सुनना आज बड़ा अजीब सा लगेगा। अब यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉनिक हॉर्न शुरू हो गए थे। हाँ। इन सब गाड़ियों में फिर एक छोटी बैटरी आती थी जिससे सिर्फ ब्रेक लाइट और इंडिकेटर जलते थे, बाकी तो फिर इंजन पावर पे था। आजकल के बाइक तो सारी बैटरी पावर पे है, लेकिन तो 50 cc मोपेड और 50 cc में है जस्ट लाइक लूना से, न्यूट्रल पेडल सिस्टम से, जरा हाइट जो कॉर्नर कुछ हाइटेड हो गए, तो जरा गाड़ी की हाइट भी हुई है जरा हिसाब तो ठीक है नॉर्मली, तो फ्रेंच मॉडल
ये बड़ा यूनिक है, इसका साइलेंसर वहीं पे नीचे है, देखो नीचे ही दिया हुआ है उसके, इंजन के नीचे कभी नहीं देते लेकिन दिया हुआ है इसमें। और इसके चेन कंपेयर करोगे तो साइकिल वाला ही चेन है, ऐसा भी नहीं कि मोटा चेन हो, साइकिल वाले ही चेन है ये सारे। ये बजाज है, ये पियाजियो वेस्पा, वेस्पा का इटालियन, ये इटालियन मॉडल है वेस्पा का, ये ओरिजिनल चीज है 150। इसके बाद ही जब आया बजाज, ये जो इंजन आया वेस्पा का, मतलब जो आप देखते पियाजियो की, तो अब ऑटो आते हैं जिसको विक्रम, नहीं विक्रम अलग है, पियाजियो के, हाँ इस टाइप के पियाजियो, पियाजियो के और भी है ना इटली, ये आगे वाले मोपेड भी पियाजियो के है, तो मोपेड भी इटली इटली भी है, ये इटली कंपनी पियाजियो, बाद में वो भी ठीक करने आ, वही आया बाद में, वही आए उनके, अब उनके ऑटो ज़्यादा चलते हैं पियाजियो के। लेकिन वेस्पा का ये वाला पहली बार देख रहा हूँ मैं, ये तो काफ़ी व्यवस्था की है, हमें झुकी है ये, पहली बार देख रहा हूँ लेकिन ये जबरदस्त है, बहुत रेयर है ये तो। और ये सुजुकी मोपेड 1890 के दौर का सुजुकी, इसमें भी इंडिकेटर आ गया, बताइए इंडिकेटर और वो वाले वो शॉक एब्जॉर्बर्स जो अभी के बाइक में है। चेतक, ये तो पाँच साल वेटिंग के बाद उसका इतनी डिमांड है इसकी जबरदस्त, इसका तो बहुत ही जबरदस्त, इसका तो ऑन पेड ऑन डॉलर इंडियन करेंसी में भी पेड में होता है, ये तो अभी भी स्टार्ट हो जाएगा अगर आप किक मारोगे तो पेट्रोल डाल के, ये जब भी मैं देखता था ना इसमें कभी ना कभी सेल्फ की दिक्कत आती रहती थी, जितने यूजर थे खें 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 करते रहते थे, लेकिन बहुत बिकी थी ये भी, बहुत बिकी थी, अभी भी चालू पुणे में देखते हैं अभी भी थी। ये सेल्फ स्टार्ट वाली थी वो, और भाई साहब एक तो हमारे स्कूल के टीचर के पास भी था ये, ऑटो गियर भी होने से लेडीज चली भी थी, भाई था पीछे वैसे लेडीज ने काफी प्रेफर किया मॉडल को, ये तो बहुत देखा है ये ओरिजिनल ये था इसका, इसमें जरा टायर पंचर हो जाए तो चालीस ठंडा अंतर रोकना पड़ता था, दबाव हुआ तो मॉडल था बॉबी राजदूत, बॉबी राजदूत बॉबी नाम, बॉबी नाम की मूवी वही डिस्कवर और डिपल कपाड़िया वाली, उसमें ये होने से ये इतना प्रमोटिव हो गया पीस, ये इतना नहीं उतना ही चला जितना जब घूम के चला, नाम ही फेमस हो गया बॉबी राजदूत, जबकि पीस था पोलैंड का 175 है ये, वही 170 सीसी की, बताइए आगे वाली गाड़ी में इंजन है इसको भी, लेकिन कॉम्पैक्ट सिस्टम दिखा रहा है, टायर जो है छोटे होने से हल्की गाड़ी नहीं है, बहुत ही हैवी गाड़ी है, राजदूत का इंजन है आगे पूरा वही राजदूत, तो मैंने सब वही देखे हैं वो वाले जो बड़े वाले हैं, उसी ये भी राजदूत है, पहले वाला मॉडल यही था राजदूत है, ये भी इंजन वही है कहने का मतलब, आगे कॉम्पैक्ट उसमें दिखाया हुआ है बॉबी राजदूत, मानी राजदूत ही हुआ उसका भी 1970 1980 हाँ, ये जर्मनी है रामदार सवारी शानदार सवारी वो पहले आया बाद में ये इलेक्ट्रॉनिक आया, उससे ये दोनों सेम गाने हैं, आई थिंक मैंने वो वाला देखा है, ये वाला में पहले उस टाइम में सेम में था, फिर ये इलेक्ट्रिक स्टार्ट ही आया था, ये फ्यूल टैंक पे चाबी पता नहीं, ये फ्यूल टैंक वाला तो मैंने देखा जो हाथ से खुलता वैसा वाला, वो अच्छा। वो वाला था हाँ, वो ये ऐसा वाला रेक्टेंगुलर वाला ये नहीं देखा है अच्छा। वो गोल वाला था वो हाथ से खोल करके, ये अटलस साइकिल कंपनी से इन्होंने बाइक भी बनाई थी, बाइक भी 50 सीसी मोपेड भी, मोपेड भी हाँ, ये 50 सीसी में है, पहली बार देखा अटलस का, अटलस हाँ इसका साइकिल भी है, ये 50 सीसी मोपेड भी है, और ये कितने के चालू बंद करने गाड़ी है ये तो, फिर एक्सेल ये एक्सप्रेस वो भी सिर्फ 90 के दौर के, 90 के दौर के 70 सीसी वो 35 सीसी होंगे एक्सप्रेस, और वो 50 सीसी ये सब चीजें, कोई टक्कर देने के लिए सनी आया था उस टाइम,
हाँ, लेकिन वो कॉन्सेप्ट सनी का अलग है थोड़ा, ज्यादा फाइबर में था वो। ये सब सनी जो है, सनी में बजाज क्या हुआ? हाँ, वो फाइबर में था, लेकिन पूरी फाइबर बॉडी थी उसकी। ये फाइबर नहीं है सर। ये उनको टक्कर देने के लिए डिशेज काफी चली थी उस टाइम। ये गाड़ियां भी 92,000 नहीं नहीं बहुत सर। ये है तो जेम्स बॉन्ड का विलियर्स कंपनी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज हुई गाड़ी एज ए पोस्टल यूज, जर्मन का। और 175 cc डबल साइलेंसर यूज में तो नहीं है गाड़ी अभी चालू, इसका कार्बोरेटर खराब हो गया है। पोस्टल यूज के लिए इसमें कलर भी वही किया होगा, कोई इसमें वार न करे। सेकेंड वर्ल्ड वार 1942 रेड कलर में, रेड कलर, और कोई वार न करे पोस्टल की गाड़ी करके, इसलिए कलर वही किया होगा। हाँ, कोई अटैक ना करे। और ये बाइक्स कितनी वो सिंपल होती थी, सिर्फ आगे में सस्पेंशन है, पीछे सस्पेंशन भी नहीं है, सीट में भी कोई स्प्रिंग नहीं है, मतलब जो बैठ के जाता होगा उसका मतलब कमर उमर एकदम बिल्कुल, बस आगे सस्पेंशन है इसके, वो भी नॉर्मल ऑयल फॉर्क सस्पेंशन है। बहुत सिंपल गाड़ी, ये पोलैंड का, स्पेशली मेड इन पोलैंड। हाँ, मतलब मैंने जितने भी राजदूत देखी है ना, उसमें वही था, ये सीधा यहाँ पे चाबी लगती थी और इसमें कोई लॉक नहीं होता था फ्यूल वाले में, ये वही वाला राजदूत है। ये अच्छा, मॉडल है पोलैंड का, तो पहले पोलैंड में आया था इंडिया में, पोलैंड का ही मॉडल, पोलैंड में ही बनता था ये गाड़ी, पोलैंड की है। अच्छा, उसके बाद जो इंडियन मॉडल, इंडियन फर्स्ट मॉडल भी है हमारे पास, बाकी भारतीय मॉडल है, बाकी फर्स्ट मॉडल भी है। अब जो रॉयल इनफील्ड आया जर्मन का मॉडल, हाँ। जर्मन का इटालियन उसका जो रॉयल इनफील्ड, वो लंडन जो है इटालियन मॉडल, रॉयल इनफील्ड तो लेकिन यूके है ना, रॉयल इनफील्ड इंग्लैंड है, लेकिन जर्मन का बाद में भी वो काफ़ी वहाँ से, और वो लंडन है ये वो इटालियन हाँ। तो ओनली TVS और बजाज की ओनली इंडियन कंपनी, बाकी सब ये मॉडल फॉर्म नहीं हुए। बताइए, राजदूत हमें इंडियन लगता है, ये इंडियन, ये सब इंडियन मॉडल है आज से आगे, वो फर्स्ट मॉडल लास्ट रखा हुआ है, जो वो फर्स्ट मॉडल है इंडिया में आएंगे इसके जस्ट बाद। अच्छा, इसी के बारे में आप बता रहे थे ना, उसकी कंपेयर में ये अब उस लोन के लिए काफ़ी किफायती पीस था, इसमें चाबी में हो तो आप कोई भी कील डाल दीजिए, चालू हो जाता था, इसमें कोई केरोसिन डाल दीजिए तब भी चालू हो जाता था। उस टाइम पे काफ़ी गांव वाले अधिकतर वैसे ही करते थे गांव में लोग, और तो पेट्रोल नहीं रहता तो वो केरोसिन डाल के भी काम चलाते थे, काफ़ी किफायती, उसी इसलिए किफायती कर रहा हूँ, काफ़ी किफायती पीस था। पता नहीं चल जाता, इतना पावरफुल गाड़ी है, इतनी पावरफुल कि वो एवरेज के हिसाब से मार खा गई, एवरेज ये बात भी इतनी हैवी गाड़ी है, और डाल दीजिए कहीं भी किसी भी रोड पे डाल दीजिए आगे से कच्चा पक्के कहीं भी, बहुत ही पावरफुल इंजन है, लेकिन एवरेज के हिसाब से मार खाई, एवरेज वही 20-25 मुश्किल से, तो दूध वाले किसी दूध वाली गाड़ी ही कहते थे राजदूत को। तो ये डीजल इंजन है क्या? एक रॉयल एनफील्ड ने कुछ 3-4 साल के लिए डीजल इंजन निकाल, बजाज ब्रेवो, ये नहीं सुना मैंने, लेजेंड देखा है, चेतक का ये वाला मॉडल देखा है, एक बजाज का आपके पास इटर्नो नहीं है, इटर्नो आखिरी स्कूटर था। अच्छा। बजाज का जो उन्होंने लॉन्च किया था, जिसकी बिल्कुल डिफरेंट आवाज़ थी, बिल्कुल दबी हुई दुग 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 जैसे बाइक की आवाज़ आती वैसी थी, इटर्नो लास्ट स्कूटर था बजाज का, उसके बाद बजाज का स्कूटर बनाना बंद कर दिया उन्होंने। सबसे विशिष्ट अब ये वाला मैचलेस, अब यही चीज़ है, सबसे पुराना भी इतने गाड़ी में सबसे पुराना भी यही मैचलेस ये डबल स्टोन डबल पिस्टन ओपन पिस्टन में है, 4 stroke 350। ये डबल पिस्टन कैसे है? डबल पिस्टन ओपन ओपन ही है, जब ये चालू होती है गाड़ी, हाँ, तो अप डाउन हो, तो ये पिस्टन ओपन ही है, ओपन पिस्टन। इसका मैकेनिक नहीं पुणे में, तो UP से मैकेनिक बुलाना पड़ता है हमको। अच्छा, विंटेज ऑप्शन है उस टाइम का, वो काफ़ी ओल्ड एज में काम तो नहीं होता उसे, हाँ। दूसरे मैकेनिक से सर्विसिंग कराता है इसकी, प्लस उसकी, तो जो फर्स्ट पीस दिखाता है, हाँ। इसका सर्विस भी करवाते हैं आप? 5-6 महीने में इनके लिए बाहर से मंगाते हैं, बाकी के तो पुणे से आते हैं। मेरे को लगा सिर्फ
साफ सफाई से पूरा इनको क्या करते हैं, चालू करके इनको इनमें पेट्रोल डाल के इनको फिर चालू करके ही छोड़ते हैं। जब फ्यूल खत्म हो जाए तो ये फिर ऐसे खड़ी रहती है, इनको पेट्रोल नहीं छोड़ते हैं, खाली रहती है एकदम, खाली करनी होती है, खराब हो जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पे जितनी बाइक्स हैं सारी स्टार्ट होती हैं? 95% चालू कंडीशन में है, 95। अच्छा, कुछ पीस जो होंगे वो मतलब ये पुरानी लूना वगैरह भी आप स्टार्ट करते हैं? सब हर गाड़ी चालू करके आती है सर्विसिंग, ये जो बाहर रहती है स्पेशली फॉर राइडिंग, ये राइडिंग की नहीं गाड़ी है। अभी हमारा ट्रेन चालू में खत्म हो गया इसलिए लेट हो गए, क्योंकि आपको दुकान में मिलेगी राइडिंग के लिए, लैंड रोवर जावा होगी 50,000 की, सब राइडिंग के लिए मिलेंगे। ये करीब एक जावा और उधर भी हमारे जावा राजू, ये करीब 10 एकड़ का पूछ देते फर्स्ट, इससे ऑनली स्टार्टिंग, इसमें 5 सेट आएंगे ऐसे ही, और रहने के लिए भी एसी में बाथरूम अटैच थे, वो कॉटेज कब तक हो जाएगा बताइए, फिर मैं वापस आऊँ इसके लिए तो वापस